आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई पाठशाला में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 6, सेव वाटर, पानी बचाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क सम इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट थिंग्स डू वी नीड टू लिव? We need air, water and food to live. Where do we get water from? We get water from rivers, lakes, wells, head pump and rain. How do you think people waste water? People let their water tap on. Do we save water? Yes, we save water. आइए पहले चित्र को ध्यान से देखो। चित्र क्रमांक 1 में एक लड़का स्नान कर रहा है जिसने अपने नल को खुला छोड़ दिया है। बाल्टी में पानी गिर रहा है, बाल्टी ऊपर से जा रहा है और शोवर से वो स्नान कर रहा है। पास में शौचालय में भी नल चालू कर दिया है और वहीं पानी बर्बाद हो रहा है। इस प्रकार से हमको नहीं करना चाहिए कभी भी। दूसरे चित्र में दिया है एवरी ड्रॉप काउंट्स, जल बहुत ही कीमती होता है, प्रत्येक बूंद की कीमत होती है, इसलिए जल बर्बाद नहीं करना। तीसरे चित्र में दिया है बालक स्नान जो है मंजन कर रहा है और पास में वॉश बेसिन पे नल चालू करके छोड़ दिया है और इसमें जल की बर्बादी हो रही है। फिर अगले चित्र में एक बालिका पौधों को पानी पिला रही है, पास में जो है फुहारा भी चल रहा है। और अगले चित्र में एक महिला सीढ़ियाँ धो रही है, तो इस प्रकार से पानी का वेस्टेज भी नहीं करना चाहिए। और अगले चित्र में एक महिला बाल्टी के ऊपर से जो पानी जा रहा है, नल चालू पड़ा है और पास में कपड़े धो रही है, इस प्रकार से पानी का दुरुपयोग नहीं करना। लेट्स रीड द पोइम, आइए हम यह कविता पढ़ते हैं। वाटर, वाटर ऑल अराउंड, पानी चारों तरफ पानी ही पानी है। सेव एवरी ड्रॉप दैट कैन बी फाउंड, जो भी हमको जल प्राप्त होता है या प्रत्येक जल की बूंद को बचाना चाहिए जो हमने पाया है। वेस्टिंग वाटर इजंट गुड, पानी कोई फालतू बर्बादी करना अच्छी बात नहीं है। सो यू नेवर शुड, इसलिए आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात पानी कभी व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए। नेवर लेट योर टैप्स रन, कभी भी नल है वो खुला नहीं छोड़ना चाहिए। टर्न देन ऑफ एज सून एज यू आर डन, जैसे अपना काम पूरा हो जाता है तो नल को बंद कर देना चाहिए। डोंट वेस्ट टाइम इन द शोवर, शोवर के नीचे या जो पानी के शोवर वाले पानी के नीचे जो स्नान करते हैं वैसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और न ही पानी बर्बाद करना चाहिए। योर हार्वेस्टेड वाटर शुड बी यूज्ड ऑन अ फ्लावर, आपने जो पानी संचित किया है, इकट्ठा किया है, संरक्षित किया है, उस पानी को पौधों में भी उपयोग में ले सकते हैं। वॉश योर कार इन द रेन, अपनी कार को बरसात के पानी में या बरसात में धो लेना चाहिए, जब बारिश आती है तब कार को धो लेना चाहिए। सो नॉट एज मच वाटर विल गो डाउन द ड्रेन, ताकि ज़्यादा पानी बहकर नालियों में या गंदी नाली में न जाए। यूज अ लिटिल ब्रिक इन द टॉयलेट व्हेन यू फ्लश, जब आप शौचालय धोते हो तो उसमें तेज़ बहाव के साथ पानी छोड़ने से कम पानी लगता है। सो द वाटर वॉन्ट गो डाउन इन अ गस, इसलिए पानी जो है तेज़ गति से गस करेगा तो शौचालय साफ हो जाएगा। यू मस्ट रिलीज वाटर इज़ गुड, अब आपको समझना चाहिए या हम समझ गए हैं, आप समझ गए हैं कि पानी बहुत ही अच्छा होता है। सो सेव एज एवरी वन, इसलिए प्रत्येक को पानी बचाना चाहिए। नोज वी शुड, जो कि हमको ऐसा करना चाहिए। अब ग्लोजरी वर्ड्स में सेव यानी बचाना, वाटर यानी पानी, ड्रॉप यानी बूंद, फाउंड यानी प्राप्त किया, वेस्ट यानी बर्बाद करना, नेवर यानी कभी नहीं, टैप यानी नल, टर्न ऑफ यानी जल प्रवाह रोकना या बंद करना, शोवर यानी बौछार या फुहारा, सून यानी शीघ्र, हार्वेस्टेड यानी संचित या संरक्षित किया गया, फ्लावर यानी पुष्प या फूल, वॉश यानी धोना, रेन यानी वर्षा, ड्रेन यानी गंदे पानी की नाली, टॉयलेट यानी शौचालय, फ्लश यानी पानी को तेज चलाकर शौचालय साफ करने की क्रिया, गश यानी तेज बहाव, रियलाइज यानी जानना, समझना या महसूस करना, नो यानी जानना, पीपल यानी लोग, थिंक यानी सोचना, नीड यानी आवश्यकता।
अब एक्टिविटी एक का प्रश्न क्रमांक एक, व्हाट डू वी फाइंड इन द रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स। आंसर होगा वी फाइंड वाटर इन द रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट एक्टिविटीज इज वाटर यूज्ड। आंसर होगा वाटर यूज्ड इन ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, फ्लशिंग, वाटरिंग प्लांट्स एटसेट्रा एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर थ्री, डू यू कीप द टैप ऑन व्हेन यू ब्रश योर टीथ और बाथ। नो, वी डू नॉट कीप द टैप ऑन व्हेन यू ब्रश योर टीथ और बाथ। क्वेश्चन नंबर फोर, डज योर मदर कीप द टैप ऑन व्हाइल वॉशिंग द यूटेंसिल्स। नो, माई मदर डज नॉट कीप द टैप ऑन व्हाइल वॉशिंग द यूटेंसिल्स। प्रश्न क्रमांक पाँच, डज योर फादर वेस्ट वाटर व्हाइल शेविंग। नो, माई फादर डज नॉट वेस्ट वाटर व्हाइल शेविंग। एक्टिविटी एक का ही क्वेश्चन क्रमांक बी, राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स। वी शुड सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। आपको लिखना है टी, नेवर लेट द टैप्स रन टी, वाटर शुड बी हार्वेस्टेड, इसमें भी टी लिखना है, पीपल शुड यूज द शोवर फॉर बाथ, इसमें एफ लिखना है, और पीपल कैन वॉश देयर कार्स विद द वाटर फ्रॉम टैप्स, एफ लिखना है। एक्टिविटी दो का प्रश्न क्रमांक ए, इसमें आपको राइट द ऑपोजिट ऑफ द ब्रैकेट्स वर्ड्स इन द ब्लैंक्स गिवन इन द सेंटेंसेस। वाक्य के अंत में कोष्टक में जो शब्द लिखा गया है इसका ऑपोजिट वर्ड आपको खालिस्तान में लिखना है। जैसे वी शुड खालिस्तान वाटर, कोष्टक में दिया वेस्ट, वेस्ट का विलोम शब्द होता है सेव, तो आपको खालिस्तान में सेव लिखना है। दूसरे में इट इज खालिस्तान टू वेस्ट वाटर, गुड लिखा हुआ है तो गुड का विलोम शब्द बैड होता है, तो खालिस्तान में बैड लिखना है। वी शुड ऑलवेज रीच स्कूल इन टाइम, कोष्टक में लिखा हुआ है नेवर, नेवर का विलोम शब्द होता है ऑलवेज। और चौथा है आई हैव खालिस्तान माई वॉच, कोष्टक में लिखा है लॉस्ट, लॉस्ट का विलोम शब्द आपको लिखना है फाउंड। इसी प्रकार एक्टिविटी दो का बी, राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहला अक्षर इसमें दिया गया है और इसमें आपको वो शब्द का वाक्य का वन वर्ड लिखना है। अ फोर व्हील्ड व्हीकल वी ट्रेवल इन, इसको कार कहते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम विच वी गेट वाटर, उसको टैप कहते हैं। द वाटर वी गेट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स फ्रॉम द क्लाउड्स, उसको रेन कहते हैं। थैंक यू।